नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन यूक्रेन के बारे में। जब हम किसी कंट्री के बारे में सोचते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। हमने एडवांटेजेस का वीडियो ऑलरेडी एक हमने प्रमोट किया हुआ है 2 दिन के पहले, लेकिन वही कंट्री के डिसएडवांटेज भी आपको पता होने जरूरी है ताकि वहां पे जाने से पहले आप अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर पाए, तो उसके अकॉर्डिंग आज का ये टॉपिक रहेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टडिंग MBBS इन यूक्रेन के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि ये वीडियो के साथ साथ यहाँ पे जो डिसएडवांटेज हम लोग बता रहे हैं उसके साथ साथ उसके बचने के तरीके यानी कि उसका सॉल्यूशन भी ये वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कोर्स ड्यूरेशन एंड इंटर्नशिप रियलिटी के बारे में। यूक्रेन को ज्यादातर लोग प्रमोट करते हैं 6 साल के कोर्स के हिसाब से, लेकिन कई लोग ऐसा भी मिसगाइड करने को ट्राई करते हैं कि 6 साल के कोर्स के अंदर ही इंटर्नशिप इंक्लूड है। यूक्रेन में जो कोर्स है वो 6 ईयर का कोर्स है प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करना पड़ेगा। दूसरा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन रशिया से अलग हुआ है तो वहां पे करप्शन लेवल मौजूद है आज की डेट में भी। तो करप्शन की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न पार्ट को छोड़ के बाकी की जो पार्ट है वहां पे आपको करप्शन लेवल ज्यादातर देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो एक डिसएडवांटेजेस नहीं बोल सकते लेकिन उसको प्रमोट किया जाता है मार्केट में एक नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से, जो कि है वहां का एक सेंट्रलाइज एग्जाम है जिसका नाम है क्रॉक, या तो फिर दूसरा एक ऑप्शन क्रिएट किया जा रहा है उसका नाम है आईफॉर्म। ये दोनों ही एग्जाम है एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और करप्शन लेवल कम करने का एक जरिया है यूक्रेन के अंदर, जो कि थर्ड ईयर के अंदर और 6 ईयर के बाद लिया जाता है। थर्ड ईयर के बाद क्रॉक 1 लिया जाता है, 6 ईयर के बाद क्रॉक 2 लिया जाता है। तो इसको अगर नेगेटिवली आप ले रहे हो तो वो आपके लिए नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इट्स बेटर फॉर योर फ्यूचर। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बजट के अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है, स्टूडेंट को यहाँ पे बजट कुछ और बताया जाता है और वहां पे जाके खर्चा कुछ और होता है और वहां पे जाके आपको उससे भी ज्यादा लूटा जाता है। दूसरा जो चीज होता है यूक्रेन के अंदर, जब यूक्रेन के अंदर एजुकेशन शुरू हुआ था, जब बच्चे जाने शुरू हुए थे MBBS कोर्स के लिए फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, उस टाइम पे उतना ज्यादा क्राउडेड नहीं था, तो वहां पे जो इनिशियली जो गवर्नमेंट का खुद का हॉस्टल सेटअप था वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट के लिए सीमित था। लेकिन आज की डेट में वहां पे करीबन 7,000 to 8,000 स्टूडेंट का वहां पे इंटेक कैपेसिटी अवेलेबल है हर एक यूनिवर्सिटी का मिला के, और उसके सामने उतना हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो वहां पे कोई भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो हॉस्टल का जो भी रियल पिक्चर है वो जान के फिर चले यहां से। कई बार ऐसा होता है वहां पे जाके हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है और आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेना पड़ता है जो कि आपका बजट डिस्टर्ब करके रख देता है। दूसरा जो है हमने स्कैम का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर एक पॉइंट हमने आपको ब्रीफ किया हुआ था, वो पॉइंट अगर आप यहाँ पे भी ध्यान में रखते हो तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हो। वो है डिसएडवांटेज, वो है कि यहाँ पे यूक्रेन के अंदर कई सारे स्टूडेंट ने खुद का यूट्यूब चैनल बना दिया, या तो खुद का इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना के रख लिया, या तो फेसबुक के ऊपर अपना खुद का पेज बना के रख लिया है यूनिवर्सिटी के नाम से, और दूसरे जो स्टूडेंट है या पेरेंट्स है उनको अट्रैक्ट करने के वो लोग ट्राई करते हैं और एंड ऑफ द डे पेरेंट्स या स्टूडेंट मिसगाइड होकर उनके थ्रू एडमिशन लेते जो कि जो करप्टेड कंसल्टेंट होते हैं उनके पास ही एडमिशन जाता है, और एंड ऑफ द डे इस जगह चक्कर में फंस जाता है स्टूडेंट और पेरेंट्स जहाँ पे उनको फंसना नहीं चाहिए। दूसरा आता है सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बाकी कंट्री के लिए भी आप बोल सकते हो कि वैसे यूनिवर्सिटी का प्रमोशन जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई इंफ्रा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका बड़ा पिक्चर दिखाया जाता है जिसकी जाल में फंस के स्टूडेंट और पेरेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो यूनिवर्सिटी का पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है वो कुछ भी डिटेल पेरेंट्स को वहां पे पता नहीं होती है। जस्ट उसके अलावा काफी सारी लो रैंक यूनिवर्सिटीज ऐसी है यूक्रेन के अंदर जिसको इंडिया की बैंक लोन के लिए अप्रूवल नहीं देती है, तो जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है इन फ्यूचर में तो बैंक से पहले वो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है वो दिखा के पहले क्लियर इन्फॉर्मेशन ले ले। और यहाँ पे हम लोग जब बात करते करप्शन लेवल ज्यादा है तो बेसिकली यस, स्टूडेंट भी वहां पे जाके एजुकेशन की जगह पे दूसरी सब एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, और वहां पे एजेंट लोग है वही स्टूडेंट का बेनिफिट लेने के लिए ट्राई करते हैं और स्टूडेंट को एजेंट बनने के लिए फोर्स किया जाता है, और वही एजेंट बना हुआ स्टूडेंट दूसरे एजेंट को भी वहां पे प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इश्यू आता है, कभी भी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एजेंट आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांग रहा है जहां तक आप एडमिशन का कंफर्मेशन नहीं ले रहे हो अपने दिमाग में वहां तक किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत में आपको रख सकता है। यूक्रेन की एजुकेशन
सिस्टम के हिसाब से जो इनविटेशन लेटर आपका इश्यू होता है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से इशू होता है, ना कि कोई यूनिवर्सिटी से। एक बार आपका इनविटेशन इशू हो जाता है दैट मीन्स वो यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिशन कंफर्म लेना है लेकिन वो एजेंट के थ्रू नहीं लेना है तो वो आप डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, आपको वही एजेंट के थ्रू एडमिशन वो यूनिवर्सिटी में लेना पड़ेगा, या तो फिर यूनिवर्सिटी आपको दूसरी चेंज करनी पड़ेगी, वहां पे ये पुराना इनविटेशन कैंसिलेशन प्रोसेस के साथ कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से नया इनविटेशन आपको इश्यू करवाना पड़ेगा जिसके अंदर करीबन 15-20 दिन आपके खराब हो जाएंगे। और ये एक्टिविटी अगर एंड मोमेंट पे जब एडमिशन का प्रोसेस खत्म होने वाला है उस टाइम पे आपको करनी पड़ी तो आपका पूरा साल भी बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज से आपको खास बचना आवश्यक है। कभी भी किसी के साथ आप डॉक्यूमेंट शेयर ना करें जहां तक आप एडमिशन अपना कंफर्म नहीं करते हैं, और बकायदा उससे कंसर्न साइन करें, तभी जाके आपका इनविटेशन वहां से इश्यू होना चाहिए। हमने जैसे कि वीडियो के शुरू में बोला था आपसे कि हम लोग यहां पे जो डिसएडवांटेजेस उसके साथ सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे यहां पे। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला सॉल्यूशन है ऑलवेज साइन द लीगल एग्रीमेंट विद द एजेंट और कंसल्टेंट, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हो उसके साथ लीगल एग्रीमेंट कंपलसरी साइन करें। दूसरे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे कि स्टूडेंट जो लोग यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू वहाँ पे आपसे चीट करने को ट्राई कर रहे हैं, से एक बात समझनी जरूरी है यहाँ पे पेरेंट्स को, इवन ये जो ब्लॉग ओपन करके बैठे हुए जो स्टूडेंट उनके पेरेंट्स को भी समझना आवश्यक है। जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर पाए। अगर ये इतना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहा है दैट मीन्स कि वो डॉक्टर बनने वाला नहीं है, वो कंफर्म है, वो एजेंट कम्प्लीटली एजेंट बन के बैठ गया है वहाँ पे और मेडिकल का उसका जो मोटिव था वो खत्म हो चुका है वहाँ पे। तो वैसे स्टूडेंट पे कभी भी ट्रस्ट ना करें। अगर ऐसा आपके ध्यान में आता है कुछ भी, या तो फिर ओवररेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपके सामने प्रमोट हो रही है या आपको लगता है कि मिसगाइड किया जा रहा है, या तो फिर कोई भी एजेंट किसी स्टूडेंट को फोर्स कर रहा है एजेंट बनने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा एडवाइस रहेगा कि मदद पोर्टल पे जाके कंप्लेंट रेज, एचआरडी मिनिस्ट्री है आपका, एम्बेसी है, वहां पे आपको मेल रेज करना पड़ेगा और आपका उठाया एक कदम मे बी शायद दूसरे स्टूडेंट या आने वाले दूसरे स्टूडेंट का भी फ्यूचर जो है वो बर्बाद होने से बचा सकता है। मदद पोर्टल के बारे में डिटेल वीडियो हमने पहले भी एक बार रिलीज किया हुआ है, अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके ऊपर जाके वीडियो पे जाके आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की डेट में अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यू एज स्कैम के बारे में, जो कि स्टूडेंट एजेंट बन के बैठ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने स्कैम्स वाला वीडियो ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है और उस वीडियो के बाद कई सारे पेरेंट्स ने और कई स्टूडेंट ने ग्रीवेंस रेज करना शुरू कर दिया है। अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो अपने आप को वेल प्रिपेयर कर ले। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट हमने बोला, लीगल एग्रीमेंट साइन कीजिए, जो भी कम्युनिकेशन है मेल के थ्रू रखिए, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को कभी भी लीगल नहीं काउंट किया जाता है, फेसबुक चैट या व्हाट्सएप है उसको एज ए लीगल प्रूफ नहीं काउंट किया जाता है, याद रखना आवश्यक है। और अगर आप किसी स्टूडेंट के थ्रू ऐसा एडमिशन ले रहे हैं तो ध्यान में रखें मदद पोर्टल को सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। काफी सारे पेरेंट्स और काफी सारे स्टूडेंट ने ये हमारे स्कैम्स वाली वीडियो को देखने के बाद कंप्लेन करना शुरू कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के ऊपर, लाइक मदद पोर्टल, लोकल पुलिस अथॉरिटी है, इंडियन एम्बेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये सब जगह पे पेरेंट्स के और स्टूडेंट के आज के डेट में रेगुलर बेसिस में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं और मे बी उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है, मे बी स्टूडेंट जो है ये गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसका एक्सपेल होना या फिर वहां से डिपोर्टेशन होना वो पॉसिबल है फ्यूचर के अंदर। तो आई थिंक आज के इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो मिल चुकी होगी। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा हमारा दिया गया मेल आईडी है, वहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अगर आपको बात करनी है तो चैट सेक्शन हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चैट करके भी हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मेरा निवेदन है अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद, टेक केयर।